साथे हैं जिनको हम गायन वाले कहते हैं, वो देश की बहुत नुकसान कर रही है और हर जगह वही दुख की बात है कि अब दुख फैल रही है। पता नहीं आप लोग कैसा सोचते हैं, लेकिन मैं बंटवारे से पहले का हूँ और मैं प्यारपुर शहर में रहता था और वहाँ से ही घर आया बंटवारे के होकर। बंटवारे से पहले तो हम हिंदू मुसलमान सिख सब एक ही मुझे याद है प्यारपुर के शहर में स्कूल जाया करते थे बहुत सारे मुसलमान से, लेकिन वो बात तो आज है नहीं, कहीं मुझे नहीं मिलता कोई आदमी जो हिंदू कहता हो मेरा उनको मुसलमान दोस्त है। मुसलमान कोशिश करते हैं कि हिंदू को दोस्त बन जाए, लेकिन मम्मी और यही बात जब वहाँ से प्यार तो शहर से चला तो काफले काफले कुछ लोग काफले लेकर जा रहे हैं तो मुसलमानों के हैं, इधर हमारे हिंदू और सिखों के हैं, तो उनके लोगों ने हमने 10 लाख आदमी एक दूसरे के बात की। मैं ज़्यादा 10 लाख में क्या कसूर था कि वो और किसी और मदद से थे, उनका तो अवसर कसूर नहीं था। तो ये जो मजहब के नाम पे फतूर आ रहा है आज भी, मैं देखता हूँ कि हिंदुस्तान में जिसको हमने आज़ादी के वक्त एक ही नारा लगाते थे कि हम आज़ाद होंगे तो एक देश ऐसा देश उतारेंगे जिसमें ना हिंदू मुसलमान सिख की कोई फर्क नहीं रहेगा और हम सब मिलकर इस देश को उतारेंगे। लेकिन आज मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आहिस्ता आहिस्ता एक नरम किस्म की हिंदुत्वा छा रही है, आप लोगों को शर्म भी नहीं लगती कि भाई ये देश इसलिए राज किया था इसलिए बड़ा था वो, इसलिए आप लोगों को आप नए और जवान आप लोगों को चाहिए कि आप एक ऐसा तो देश बनाए मिलते हैं। अब मैं तो बुरा हो गया आपकी जनरेशन है, लेकिन जब तक हूँ नहीं ऐसा देश जिसमें इस बात के लिए किसी को मारा जाएगा या फर किया तो उसका मतलब क्या, मतलब ये अपनी चीज की है। कई लोग मानते हैं कई लोग नहीं मानते, अगर मानते भी हैं तो अपना एक अपना रस्म और रिवाज हो रहा है, लेकिन ये कैसे ये कितने नाम से आप लोगों को मार दें। मैंने जा तो आपसे कहा ना कि भाई जब जागरूक शहर में रहते थे तो हम सब दोस्त और मुसलमान के जो मेरा एक बड़ा दोस्त जो स्कूल में सर था वो शख्स था और बड़ी देर तक, लेकिन वो अब जब देश पटवारा हुआ तो वो तो उधर आ गया हमारे इधर आ गया, लेकिन उस वक्त जब पटवारा हो रहा था कि ये जो हम हक कहते हैं उस हक पे उधर एक मदद के मारे जा रहे थे इधर और नहीं गए। तो मैं जो आपसे अपील करना चाहता हूँ जो बताना चाहता हूँ कि मदद के नाम से किसी को मारना या किसी को वैसे भी किसी को मारना जो फजूल है। गांधी जी ने तो उनके कहा था कि भाई सब एक मार वाले सोसाइटी थे, लेकिन गांधी जी को भी मार दिया गया और वो जो धर्म का जो था उससे मिला जिससे मारा था तो वो जो मिला तो उसको मारा, तो उसने कोई अपनी कोई शर्मिंदगी जाहिर नहीं की। कभी भी क्या लौट से था मतलब जेल में मिला
तो सोचो मेरी, मैंने कहा क्यों, कहते जी मारे कर जो गांधी जी थे ये मुसलमानों की तरफ थे। पहले तो मैं कहूँगा कि किसी की तरफ वो नहीं थे, लेकिन अगर खेल इसी बात से बात किया कि मैं मुसलमानों की तरफ है, वहाँ जब गांधी जी की प्रार्थना हुआ करती थी बहुत सफाई, तो वहाँ के पाइपलम पढ़ा जाता था, फिर कुरान शरीफ पढ़ा जाता था, फिर भगवत गीता पढ़ी। और अगर कोई कहते किसी ने, जैसे एक दिन एक पंजाबी हमारे साथ था, उसने कहा गांधी जी हम ये बातों में सुन लेंगे ये बहुत हो गया, गांधी जी ने कहा ठीक है ये प्रार्थना नहीं होगी, दूसरे दिन नहीं हुई, तीसरे दिन नहीं हुई, फिर वो आदमी आया तो कहने लगा कि नहीं मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे गलती का एहसास है कि अगर जो लोग सुनना चाहते हैं तो वो सुने, मुझे कहूँ। तो फिर उन्होंने जब विड्रॉ किया तो फिर गांधी जी ने शुरू किया। जब मदन लाल का बम फटा तो मैं प्रार्थना में मांगे और गांधी जी यही कह रहे थे कि भी देखो अब हमने आज़ादी ले ली और अब आके ऐसी सोसाइटी बनाए जिसमें के आदमी को आदमी पहचाना जाए, इसलिए नहीं पहचाना जाए कि वो हिंदू है या मुसलमान है या सिख है। तो आज उस बात से बहुत दूर आ गए हम लोग, 70 साल वैसे भी आज़ादी को हो गए लेकिन उससे दूर आ गए, ये तो मतलब नहीं था कि हम अपने अपूर्ण से दूर आ जाएंगे। तो मैं तो यह आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस चीज के लिए हमने आज़ादी ली थी, जो आज़ाद हम उनसे हमारे असूल थे और जिस लीडर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना गौतम आज़ाद, ये सब लोग थे। अब तो एक मुसलमान था एक हिंदू था, तो कोई बात नहीं थी कि भाई, बल्कि कट कोई जब वो अंग्रेज उनको कैद करते थे वो एक मुझे की जगह पर कैद करते थे हैं मगर क्योंकि आज ये पॉलिटिक्स है और उसको हम एक सोसाइटी को डिवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए वोट मिल जाए, उसके लिए हम बढ़ जाए, लेकिन इसका मतलब क्या होगा आखिर ये बात पहुँचेगी। अगर आपने किसी को सोसाइटी को लोगों को इसलिए बांट दिया क्योंकि ये लोग जो मुसलमान है ये हिंदू है और सिख है तो ये सोसाइटी चलेगी कैसे, हमारा ये कभी मकसद नहीं था। मैंने भी एक अपना जब चारपुर शहर में था तो उसमें लिया था बात, लेकिन यही एक था कि सब मिलकर आज़ादी देंगे और नहीं और उसको एक ऐसा देश उतारेंगे जिसमें उसके सब लोग बराबर होंगे जो सोशल सोसाइटी भी कर। मैं बहुत बहुत